एंड देन वेलकम टू होलिस्टिक हैप्पीनेस। सो 24 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का आज है डे फाइव। फाइनली हम लोग फिफ्थ डे तक पहुंच चुके हैं और आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत डिफरेंस तो पता चल ही रहा होगा। हमको ये करते रहना है, हमको लगे रहना है एवरी डे। मैं आपको ये बोलती हूँ क्योंकि कोई भी नई चीज़ जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट कुछ दिन ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन्हीं दिनों में हम बैकआउट करने की कोशिश कर सकते हैं। हमारा मन बोलता है नहीं नहीं रहने दो। हमको अपने मन को स्ट्रांग बनाना है डेडिकेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ, अपनी फिटनेस के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अपनी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए ये एक्सरसाइजेज करने हैं। और ये इतने ही ईजी एक्सरसाइजेज हैं, ओनली 5 एक्सरसाइजेज, 15 मिनट्स एवरी डे। आप कभी भी किसी भी टाइम कहीं भी बैठ के या लेट के ऑफकोर्स कर सकते हैं ये एक्सरसाइजेस। सो डोंट गिव अप। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे स्ट्रेचिंग, बिकॉज स्ट्रेचिंग मेक्स यू लेस प्रोन टू इंजरी। और उसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सरसाइजेस। आज भी एज यूजुअल 5 एक्सरसाइजेज हैं और हम हर एक एक्सरसाइज को 2 सेट्स में करेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट एक्सरसाइज ऑलवेज हम लोग कार्डियो से स्टार्ट करते हैं। तो पहली हमारी एक्सरसाइज है पेंडुलम स्विंग और हमको करने हैं 52 सेट्स। तो चलो करने में। चलो सेकेंड सेट। अब बीच में 1 मिनट to 1.5 मिनट ब्रेक ले सकते हैं, मैं नहीं ले रही हूँ एज यूजुअल। सबसे पहले कार्डियो करने का फ़ायदा यह है कि इससे हमारी हार्ट रेट इंक्रीज़ होती है, और जितनी हमारी हार्ट रेट इंक्रीज़ होगी और डाउन होगी उतनी ही हम कैलोरी बर्न ज़्यादा करते हैं। प्लस ये हमारे वार्म अप का भी काम करता है। साथ ही साथ अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेस करेंगे। तो सेकेंड एक्सरसाइज हमारी है वी सिट, 30 सेकेंड्स ऑफ वी सिट। चलो हो सकता है उनसे 30 सेकेंड एक बार में ना हो, क्योंकि मुझसे भी नहीं हुआ था अभी, तो चलो मुझसे हो जाता है। बट अगर आपसे ना हो तो आप एटलीस्ट 10 सेकेंड्स कीजिए, 10 10 10 करके 30 को कंप्लीट कीजिए। ये हो गया पहला सेट। अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेट, 30 सेकेंड्स वी सेट। इसके बाद अभी हम लोग करने वाले हैं बर्पीज 10 बर्पीज 2 सेट्स। ये फर्स्ट टाइम हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं कैसे होते हैं बर्पीज। ये भी कार्डियो है, तो चलो।
आर द बर्पीज। यहाँ पे भी आपका हार्ट रेट बहुत ऊपर जाने वाला है, फिर डाउन आने वाला है। दैट मीन्स हम लोग बहुत सारी कैलोरी बर्न कर रहे हैं। सेकेंड सेट, आप बीच में वन और वन एंड हाफ मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। हम अभी सेकेंड सेट करेंगे। यहाँ पे आपको नाक से सांस अंदर, मुंह से सांस छोड़ना है। नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है, जितना भी हो सके। कभी कभी ऐसा होता है कि पेट में इधर या इस तरह थोड़ा सा पेन होने लगता है जब हम थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो हमको क्या करना है, मान लीजिए अगर यहाँ हो रहा है तो उसको प्रेस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सांस को निकालना है, उससे क्या है ये ठीक हो जाता है। आपको अगर रेस्ट लेना है तो ले सकते हैं, वन एंड हाफ मिनट से ज़्यादा रेस्ट मत लीजिए, नहीं तो फिर वो जितना भी हमने वार्मिंग अप किया है ना वो सब डाउन हो जाता है। तो ये हमारे दो सेट हो गए। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है 100 बाईसाइकिल। ये बाईसाइकिल करने में तो बड़ा मज़ा आता है। चलो स्पॉट रिडक्शन नहीं होता है। जब भी रिडक्शन होता है वो हमेशा फुल बॉडी से ही होता है। तो वेट लॉस या फैट लॉस अगर आपका होगा तो फुल बॉडी से होगा, इसलिए हमको फुल बॉडी को टारगेट करना इज द बेस्ट। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्क्वाट्स एंड 30 स्क्वाट्स। धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं अपना इंटेंसिटी, तो चलो आप जितना कर सकें ज़रूर करें। 30 स्क्वाट्स हमको करना है, 2 सेट्स। एक बार में 30 ना हो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके इसको कंप्लीट जरूर कीजिए। सेकेंड सेट,
तो हमने सक्सेसफुली अपना फिफ्थ डे कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह हमको लगे रहना है, एवरी डे नहीं, सिक्स डेज अ वीक हमको वर्कआउट करना है, 15 मिनट्स ओनली, तो दैट इज गोइंग टू गिव अस मार्वलस रिजल्ट्स। तो आज के लिए इतना ही, बाय।